आज कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता और पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य शिवपुरी पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने एमपी की भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कहा कि देश में पिछले 10 सालों में 400 गुना तक नशा बढ़ गया है, देश को नशे की भट्टी में झोंका जा रहा है, इसलिए उन्होंने संघ और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। अनुपमा आचार्य ने कहा कि 18 वर्षों से घोषणा वीर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश सहित शिवपुरी जिले में अनेक घोषणाएं की है, जिसमें आज तक कोई भी घोषणा शिवपुरी जिले में पूरी नहीं हो सकी। आज शिवपुरी जिला नशे का हब बन चुका है, शिवपुरी जिले का प्रशासन और पुलिस कमाई का अड्डा बन चुका है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।